नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत भिलाई के स्कूलों को संवारने का कार्य किया जा रहा है, जिसे लेकर स्कूलों की मरम्मत एवं संधारण का काम अंतिम चरण पर है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत अधिकतर स्कूलों में मरम्मत एवं संधारण का कार्य पूर्ण हो चुका है। उसके बाद से स्कूल एक नए कलेवर में नजर आने लगेगा। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना पर भिलाई निगम के सभी जोन आयुक्त युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों को आयुक्त ने लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए हुए हैं, जिसके चलते अधिकारियों के निगरानी में स्कूलों का संधारण एवं मरम्मत कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। भिलाई में 51 ऐसे स्कूल हैं जिसके मरम्मत एवं संधारण का कार्य मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत किया जा रहा है। संधारण एवं मरम्मत योग्य कार्यों को शीघ्रता से प्राथमिकता के आधार पर भिलाई निगम द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत स्कूल में आकर्षक कलाकृतियां, पेंटिंग, विद्युत सुधार कार्य, सिविल कंस्ट्रक्शन से संबंधित सभी कार्य, शौचालय के मरम्मत एवं संधारण आदि कार्य हो रहे हैं। देखिए, स्कूल जतन योजना के तहत नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में 51 ऐसे स्कूल हैं जिनका मरम्मत और संधारण किया जा रहा है। जैसे कि यह देखा जाता है कि जैसे टॉयलेट हो गया और विद्युत की सुविधा नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, दरवाजे टूटे हुए हैं, या छज्जा जो है वहाँ से जर्जर हो रखा है, या इस प्रकार से जैसे मरम्मत संधारण योग्य जितने भी स्कूल से संबंधित काम है जिसमें बच्चों को पढ़ने में असुविधा होती है, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी जतन योजना के तहत में माननीय महापौर और आयुक्त महोदय के निर्देश पर समस्त जोन क्षेत्रों में मरम्मत एवं संधारण का काम स्कूलों में किया जा रहा है। और जोन क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सभी क्षेत्रों में जो स्कूल हैं उसमें स्कूलों को चयनित करके उन पर युद्ध स्तर पर इसका काम किया जा रहा है। बल्कि स्कूलों में पेंटिंग भी की जा रही है, चित्रकारी भी की जा रही है, और आवश्यकता के अनुरूप जो स्कूलों में काम हो सकते हैं, जो बच्चों को अध्ययन से लेकर उनका अच्छा वातावरण मिले, इसको लेकर के जो है प्रयास किया जा रहा है। सभी जोन आयुक्त अपने अभियंताओं के साथ स्कूलों का प्रतिदिन निरीक्षण करते हुए कार्य को अंतिम चरण की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। मरम्मत एवं संधारण के पश्चात स्कूल एक अलग लुक में नजर आने लगेगा तथा विद्यार्थियों को भी शिक्षा ग्रहण करने में अच्छा वातावरण मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर भिलाई के शासकीय स्कूलों में आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के मरम्मत एवं संधारण के कार्य हो रहे हैं। आगामी मानसून को देखते हुए भी स्कूलों में मरम्मत एवं संधारण की आवश्यकता थी, जो कि अब योजना के तहत पूरी हो जाएगी और एक अच्छे माहौल में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।